हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तो कैसे हो आप लोग? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मानसून का दिन आ गया है और इस मौसम में कहीं घूमने फिरने का मन करता है, तो हम लोगों ने अपना मन बनाया है आप सभी लोगों को घुमाने के लिए, है ना, प्रकृति में जाने के लिए, जहाँ पर यार दिल को सुकून और शांति मिलता है। तो इस ठंडे ठंडे हवा के साथ और इस काले काले बादलों के साथ चलिए हम अपने गाँव का जंगल घुमाते हैं आपको। तो दोस्तों, फाइनली मैं और भांजा जंगल में पहुंच चुके हैं और आप लोगों को उस घने जंगल में घुमाने ले जाएंगे, है ना। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा घर बना है जो जंगल के पार है यार, जो हमारे गांव से लगभग 2 से 4 किलोमीटर की एरिया में लगा है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के एरिया में लगा है। बहुत ही बढ़िया यहाँ का मौसम, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और प्राकृतिक की जो ठंडा ठंडा हवा और इस धरती की खुशबू दिल को बहुत ही सुकून दे रही है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको जंगल दिख रहे हैं वहाँ तक ले जाएंगे। और दोस्तों, फाइनली हम लोग जंगल के बहुत ही ज्यादा नजदीक में पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम लोग बहुत ही जंगल के नजदीक में, देख सकते हो मेरे भांजे हैं और पूरा आपको आसपास में जंगल दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, यहां पर बहुत ही सुहाना मौसम है। देखिए बादले को और मैं दिखा रहा हूँ, देखिये बादले बहुत ही ज्यादा चढ़ी हुई है और यहाँ पर हम प्राकृतिक का आनंद लेने के लिए आ चुके हैं। तो चलिए, आप देखते रहिए और हम लोग आपको जंगल में और ले जाएंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। अब और हम नज़दीक जंगल की ओर निकल जाते हैं और हम गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम जंगल में देखते हैं कि दो शिकारी अपने भोजन व अपने खाने की सामग्री ढूंढ रहे थे। जब हम इनसे पूछे तो इन्होंने बताया कि ये अपने लिए सब्जी के लिए मछली पकड़ने आए हैं। इनसे बात करते हैं, चलिए आप भी सुनिए। क्या पकड़ रहे हो भैया आप लोग? मछली देख रहे हो? तो आप किसमें पकड़ेंगे? जाली पकड़े हो? ठीक है ठीक है। हम लोगों का गाड़ी पंचर हो चुका है भैया, तो हम लोग अपने दोस्त लोग को यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भांजा। उन शिकारी भैया लोगों से बात करने के बाद हम लोग आगे जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। हम लोगों को पता चला कि ऊपर जंगल में एक क्रोध भैरव नामक का एक मंदिर है, जहां पर क्रोध भैरव जी स्थित है। तो उसके लिए हम लोग निकल पड़ते हैं। तो चलिए, आप भी जंगल में स्थित इन मंदिरों का दर्शन कीजिए जहां पर क्रोध भैरव जी स्थित है। चलिए, तो यही मूर्ति का प्रतिमा क्रोध भैरव जी का है, जो कि जंगल के ऊपर बीच घने जंगलों में स्थित है। यहाँ लोग नवरात्र के महीने में माता देवी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ क्रोध भैरव का भी दर्शन करते हैं। हम लोगों ने भी जंगल में घूमने के बहाने यहाँ क्रोध भैरव जी के दर्शन करने के लिए आए थे। बोलिए जय श्री।